माजरी रेलवे प्रशासन ने 17 नागरिकों को फिर से नोटिस जारी कर घर खाली करने का निर्देश दिया है। संघर्ष समिति व्यापारी संगठन ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि भारी विरोध के बावजूद रेलवे प्रशासन, अतिक्रमण दस्ते, स्थानीय पुलिस प्रशासन और 400 सैनिकों ने नियोजित रेलवे साइडिंग स्थल पर मार्च किया। घरों दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। अतिक्रमण अभियान मंगलवार सुबह 6 बजे शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन के लिए 2 जेसीबी मशीनें लगाई गई थी। इस कार्रवाई में परिणाम स्वरूप कई गरीब परिवार सड़कों पर उतर आए हैं और गर्मी के दिनों में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया है और अब सवाल यह है कि ये बेघर परिवार कहां जाएंगे। रेलवे ने आज सुबह कार्रवाई की। अत्यंत खराब परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे नागरिकों के बीच केवल एक ही हलचल थी, हमें कार्रवाई करने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था करनी थी। उन्होंने कहा, रेल प्रशासन से 2 दिन का सामान उतारने के लिए भी कहा था, हालांकि रेलवे ने बिना समय सीमा बताए सीधी कार्रवाई की। इस कार्रवाई से यहां के गरीब नागरिकों को भारी नुकसान हुआ। एक और जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उधर पीड़ित नागरिकों ने गरीबों को बेघर किए जाने पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने मांग की कि सरकार इन गरीब नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान करे। इस बीच रेलवे की क्रूर कार्रवाई के विरोध में सैकड़ों नागरिकों ने पुलिसकर्मी और आरपीएफ डरे नहीं, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर धारा 68 के तहत हिरासत में ले लिया। इस बीच लोगों की जीत के लिए संघर्ष कर रहे उनके नेता की गिरफ्तारी ने कुछ देर के लिए तनाव पैदा कर दिया। हालांकि पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया और दोपहर में उन्हें छोड़ दिया। ऑपरेशन दोपहर तक चलता रहा। इस ऑपरेशन में रेल प्रशासन बेहद खराब परिस्थितियों में जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे नागरिकों को विस्थापित करने में सफल रहा है। अतिक्रमण अभियान के दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आयुष नोपानी, माजरी के थानेदार विनीत घागे, सह पुलिस निरीक्षक अजीत सिंह देवरे, पीओ जोजी एएससी के एन राय, निरीक्षक चंद्रपुर सहित 5 निरीक्षक, 8 उप निरीक्षक मौजूद थे।